Welcome to our channel VandeMataram. If you like this video, do not forget to like and subscribe to our channel by pressing the bell icon. नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम में आप सभी का स्वागत है। गुरुवार यानी 19 मार्च को प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया और सरकार द्वारा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए क्या-क्या किया जा रहा है यह भी बताया। उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जनता कर्फ्यू के बारे में बताया गया। तो आइए हम चर्चा करते हैं और भी बातें जो कि मोदी जी ने बोली और साथ ही जानते हैं कि क्या होता है ये जनता कर्फ्यू। प्रधानमंत्री ने आधे घंटे की इस संबोधन में सरकार के द्वारा लिए गए स्टेप्स के बारे में बताया। सभी वीजास को रद्द कर दिया गया है, इंडिया के बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। उन्होंने आने वाले दिनों को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने बोला कि बहुत सारे सिविल इनिशिएटिव्स भी लिए जा रहे हैं। वी नीड टू फ्लैटन द कर्व। कोरोना वायरस का आउटब्रेक एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है जिसको होने से बचाना है एंड उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है सोशल डिस्टेंसिंग का। सोशल डिस्टेंसिंग जिसमें सभी नागरिकों को भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से रोकना होगा, गैदरिंग्स को अवॉइड करना होगा। प्रधानमंत्री ने हमें एड्रेस करते हुए बोला कि ये जो कोरोना वायरस की सिचुएशन है ये एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है और ये वर्ल्ड वॉर से भी भयंकर सिचुएशन का रूप ले रही है। सभी देशवासियों को इस सिचुएशन में अवेयर और अलर्ट रहने की आवश्यकता है। कोविड-19 जैसी भयंकर सिचुएशन को फाइट करने के लिए सबको सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना पड़ेगा। घर पे रहकर जितना हो सके सारा काम घर से करिए। पीएम ने सीनियर सिटीजन जो कि 60 से ऊपर के लोगों को घर से बाहर ना निकलने की अपील की है। यह सबसे ज़्यादा रिस्क सीनियर सिटीजन को ही पहुँचा सकता है। पीएम ने लोगों को आश्वासन दिया है कि लोगों को सामान को होर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत का सामान मिलता रहेगा, इसकी कमी नहीं होगी। मोदी जी ने अपनी रूटीन मेडिकल चेकअप्स अभी अवॉइड करने को कहा है। कोई भी इलेक्टिव सर्जरी वगैरह हो तो उसको भी हमें पोस्टपोन करा देना चाहिए ताकि हॉस्पिटलों पर अभी कम लोड पड़े। प्रधानमंत्री जी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान कर दिया 22 मार्च को। पहले जानते हैं कि ये जनता कर्फ्यू है क्या। ये एक सेल्फ इम्पोज्ड कर्फ्यू है जो कि फॉर द पीपल है एंड बाय द पीपल है। 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक होना है। इसका कोई लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, केवल जो इमरजेंसी या एसेंशियल सर्विसेज में जो लोग काम करते हैं उनको इस कर्फ्यू से राहत मिलेगी। एसेंशियल पब्लिक सर्वेंट्स जैसे कि पुलिस, डॉक्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, होम डिलीवरी एजेंट्स, वो इस जनता कर्फ्यू का पार्ट नहीं हो पाएंगे। ये एसेंशियल पब्लिक सर्वेंट्स सीमा पे जवान की तरह अपने लाइफ के बारे में ना सोचकर अपना काम कर रहे हैं। इसीलिए सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री और वो कह रहे हैं 22 तारीख को शाम को 5 बजे हमें उनको अपना आभार व्यक्त करना चाहिए। हालांकि पर्सनली बोले तो हम एक दो दिन से कुछ नहीं उखाड़ सकते। सबको आने वाले एक दो हफ्तों तक एटलीस्ट जितना हो सके घर से कम निकले, घर से ही काम करें। इससे हम कोरोना जैसे वायरस से अच्छे से फाइट बैक कर सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू लाइक द वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल वंदे मातरम।